सभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर बलदीप कौर मोहाली से हूँ। दीप आयुर्वेदा की फाउंडर व डायरेक्टर हूँ। मैंने पिछले 10 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया है। दीप आयुर्वेदा ने पिछले 8-10 वर्षों में अनेक डॉक्टरों को क्लिनिकल ट्रेनिंग व आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैंने पंजाब में आयुर्वेदिक शिक्षा के गिरते स्तर व आयुर्वेदिक डॉक्टरों की मजबूरी को बड़ी नज़दीकी से देखा है। कैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर 5.5 साल लगाकर BMS करता है, परंतु उचित शिक्षा व प्रैक्टिकल अनुभव के अभाव में वह सिर्फ एक सेकेंड ग्रेड डॉक्टर बनके रह जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद के ज्ञानी वैद्य उसे अपना अनुभव शेयर करने में भी हिचके जाते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी पैथी में काम ही नहीं कर पाते और मजबूरी में ये लोग दूसरी पैथी में काम करते हैं और हर पल डर के साए में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनके भविष्य और रोजगार की हमारे CCM सिस्टम को कोई फिक्र नहीं है और इसका मुख्य कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं CCIM संस्था पर सालों से कब्जा करने वाले हमारे सो कॉल्ड CCIM मेंबर्स, जो हर साल नए कॉलेजेस को मान्यता तो जरूर देते हैं पर BMS डॉक्टर के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते। कितने ऐसे कॉलेज हैं जो बिना फैकल्टी व हॉस्पिटल के चल रहे हैं, जहाँ फैकल्टी भी सिर्फ पेपरों में ही होते हैं। क्यों CCIM के मेंबर को ये कॉलेज नज़र नहीं आते? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इन कॉलेज से BMS पास करने वाले डॉक्टर आयुर्वेदा में काम कर सकते हैं? आज 90% आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आयुर्वेदा प्रैक्टिस में आत्मविश्वास ही नहीं है। क्या CCIM को BMS पास करने वाले डॉक्टर्स के लिए उसके बाद प्रैक्टिकल अनुभव व आयुर्वेदा में क्लिनिकल ज्ञान दिलाने के लिए काम नहीं करना चाहिए? CCIM पूरे भारतवर्ष के आयुष डॉक्टरों द्वारा चुनी हुई संस्था है, तो इन्हें आयुष मंत्रालय व भारत सरकार के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के उत्थान व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विषय में कदम उठाने चाहिए। आज हर सिटी व गांव में डॉक्टर की कमी है। क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर इतने भी काबिल नहीं है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सके? अगर नहीं तो BMS कोर्स ही बंद कर देना चाहिए। हमारे CCIM मेंबर इनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आज पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है और भारतीय चिकित्सा व आयुर्वेदिक दवाइयों को अपना रही है, पर हमारे अपने ही देश में आज 90% आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करने में आत्मविश्वास ही नहीं है। इन सबका कारण सिर्फ ये है कि हमारे CCIM मेंबर्स को सिर्फ अपनी राजनीति व सिर्फ अपनी फिक्र होती है। तभी तो इन लोगों ने सालों से CCIM को अपनी विरासत ही समझ लिया है और किसी भी कर्मठ आयुर्वेदा प्रेमी व आयुर्वेदा के लिए काम करने वाले व्यक्ति को ये लोग आगे आने ही नहीं देते। ये लोग मेंबर बनने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते हैं। आज ये लोग पैसे दावतों से डरा धमका कर वह हथकंडे अपनाकर डॉक्टरों से वोट एकत्रित करते हैं और बैलेट पेपर खुद भरकर वह साइन करके पोस्ट करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टरों को बैलेट पेपर ही नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग अब अपनी पहुंच से बैलेट पेपर तक को कैप्चर कर लेते हैं। आज समय है कुछ बदलाव का। आओ हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदलें, इतिहास बदलें। आयुर्वेदा व आयुर्वेदिक डॉक्टरों के हक के लिए कर्मठ आयुर्वेदा प्रेमी व आयुर्वेदा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को CCIM का मेंबर बनाएं। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सभी आयुष डॉक्टर मुझे वोट दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं CCIM में आयुर्वेदा के प्रचार प्रसार व आप सभी आयुष डॉक्टरों के हकों के लिए काम कर सकूं और आयुर्वेदा के शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आवाज उठा सकूं। और मेरी आप सबसे विनती है, इस बार जब आपको वोट पेपर मिले तो आप सभी वोट करें। वे अपनी वोट सिर्फ डाक द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर को भेजें। वोट पेपर 20 नवंबर तक पोस्ट होने शुरू होंगे और आप सभी के रजिस्टर्ड पतों पर 23 नवंबर तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी डॉक्टर को वोट पेपर ना मिले तो आप हमें जरूर फोन करें। मेरा वादा है आपसे कि आपका एक एक वोट आयुर्वेदा के हित में होगा। धन्यवाद।